अन्ना, आपके फादर की जब तबीयत बहुत खराब थी, आपने सब कुछ छोड़ के डेडिकेटेडली आप बिल्कुल पूरा समय आपने उनको दिया था। आप कुछ शेयर करना चाहोगे अन्ना, प्लीज? एब्सोल्युटली। आई थिंक 4 साल मेरी जिंदगी के कैसे गुजरे मुझे पता ही नहीं चला। आई डेंट वर्क एट ऑल। मेरी जिंदगी के 4 सबसे खूबसूरत समय। और इसलिए जब भी ऐसे रिलेशनशिप मैं देखता हूँ, यू नो, आंखें हमेशा भर आती है, क्योंकि दिस इज द लीस्ट वी कैन डू फॉर देम, क्योंकि वो इतना सब कुछ हमारे लिए करते हैं। इट्स अनबिलीवेबल। और हमेशा ये माना जाता है कि यार, बाप बेटे में हमेशा वो डिफरेंसेस होंगे, वो जनरेशन गैप आता है। इट इज नेवर दैट वे। एक बाप को कभी अपने आप को एक्सप्रेस करना नहीं आता, क्योंकि वो जिंदगी के स्ट्रगल में रह जाते हैं हमेशा। और खास करके जब बच्चे पैदा होते हैं, तब आपको लगता है कि नहीं यार, बहुत मेहनत करनी चाहिए और उनके लिए अपनी जिंदगी एस्टैब्लिश करनी चाहिए। जब आप कुछ अचीव करते हो तो बच्चों को पढ़ने का टाइम आ जाता है, वो बाहर चले जाते हैं, फिर उनकी जिंदगी में अपनी फैमिली आ जाती है। सो इट्स ऑलवेज दैट गैप। आई थिंक हमें ये कोशिश करनी चाहिए कि गैप को ब्रिज करे और वो टाइम अपने माँ बाप के लिए दे। आई थिंक फ्रॉम अ मदर्स पॉइंट ऑफ व्यू, वो इंटरनली ऐसा है, यू नो, इंटरनली वैसा है कि उनकी सैक्रिफाइस इतनी होती है, इट्स अनबिलीवेबल। इसलिए हमेशा कहते हैं कि जब एक माँ डिलीवरी के लिए जाती है, तब उनका हस्बैंड का उनका साथ रहना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि तब आप अपनी बीवी को वो माँ का दर्जा दे देते हैं। दैट्स द काइंड ऑफ रिस्पेक्ट यू डेवलप। सो इट्स जस्ट टू ब्यूटिफुल, दिस होल फादर सन मदर सन रिलेशनशिप। सो टू ऑल ऑफ यू देयर, यू नो, अपने माँ बाप के लिए टाइम निकालिएगा और टाइम कोशिश कीजिएगा। हम सब बिजी है कि क्या हम एक मील तो उनके साथ खा पाते हैं कि नहीं, हॉलीडेज कहीं ना कहीं उनके साथ बिताते हैं कि नहीं। आई थिंक दीज आर द ब्यूटिफुल मोमेंट्स वी शुड चेरिश। मम्मी को तो हम प्यार करते हैं और जाहिर भी करते हैं, पापा को भी आज ये देखने के बाद एक बार जाओ, कस के जफ्फी पाओ यार। और इसी के साथ दुनिया के सारे पिताओं के लिए एक बार जोरदार तालियां हो जाए। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।